हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आर्किकेड ऑफिशियल। तो आज ए वीडियो रे हमें आलोचना करबा सेकंड सेमेस्टर ओडिया ऑनर्स कोर रिपोर्ट 3 रो गोटे 15 मार्किया लॉम क्वेश्चन। जो लॉम क्वेश्चन टा हमें आलोचना करबा आधुनिक ओडिया साहित्यर पृष्ठभूमि संपर्क रे आलोचना करो। तो ए 15 मार्किया लॉम क्वेश्चन एवं तार आंसर टा आज हमें ए वीडियो रे आलोचना करबा। तो यार आंसर टा तुमने लिखिबो 19 शताब्दी हेउची बिलाती रे विक्टोरिया शासन काल। इस समय रे इंग्रेज जाति औपनिवेशिक जाति भित्तिक अग्रगण्य थिले बा आगरे थिले, वाणिज्य व्यवसाय कोरी समान प्रचुर उपार्जन करूथुले। इंग्रेजी समय रे आधुनिक विज्ञान रो यथेष्ट प्रसार होइथिला। राजनीति क्षेत्र रे गणतांत्रिक आंदोलन अधिक स्वीकृति लाभ करिथिला। समय रे अभावनीय परिवर्तन एवं विप्लव संगठित हेला। साहित्य हेला अधिक परिमाण रे समाज जीवन रो निकटवर्ती। साहित्य रो जे एक सामाजिक मूल्यबोध रही जे ताहा एही युग रे अधिक अनुभूत होइथिला। समस्या विजड़ित जिनो साहित्य रूपायित कला। अवश्य एही युगर साहित्य रे अभिजात जीवन प्रति सम्मान रहिथिला। संस्कार जरिया रे समय परिवर्तित पाई आकांक्षा थिला प्रबल। परिवर्तन पाई परिवर्तित पाई आकांक्षा थिला प्रबल एवं ए उग्र वैप्लविक अनुचिंता ओ ए युगर साहित्य रे रूपांतरित होइ नथिला। आधुनिक युगर प्रधान आकर्षण हैला गद्य साहित्य, जेउडा कि 1781 ख्रीष्टाब्दी रे वेरेन हेस्टिंग्स कलिकता रे प्रथमे माद्रास प्रतिष्ठा करथिले एवं 1782 ख्रीष्टाब्दी रे लॉर्ड कॉर्नवालिस को जत्न रे बनारस रे संस्कृत कॉलेज शुभ दिगला। 1831 ख्रीष्टाब्दी प्रथम करी शासन देशीय साहित्य और शिक्षार उन्नति पर 10,000 पाउंड अर्थव्यवस्था कर। 1817 ख्रीष्टाब्दी कलिकतार हिंदू स्कूल जन्मग्रहण करते उद्योक्ता डेविड हेयर राममोहन राय द्वारकानाथ टागोर प्रभृति जत्न में ता कलेज परिणत होता। 1818 ख्रीष्टाब्दी प्रथम बंगला संवादपत्र प्रतिष्ठा होता। इंग्राजी शिक्षार विस्तार पर 1834 ख्रीष्टाब्दी लॉर्ड माकिएल साहेब एक विख्यात इस्ताहार प्रचलित होता। एवं एथसहित ब्राह्मण धर्म आंदोलन रामकृष्ण मिशन एवं आर्य समाज प्रतिष्ठा फल भारतीय समाज जीवन में जो आलोड़न सृष्टि होता ता प्रतिक्रिया ओडिशार समय बढ़िया स्वाभाविक पढ़ा स्वाभाविक। ओडिशार शिक्षानुष्ठान प्रतिष्ठा और संवादपत्र अभ्युदय फल गद्य साहित्य विकाश पाई अनुकूल परिवेश सृष्टि होता। तो यठार मुझे जिते भी सब कहली जोटा कि 1781 ख्रीष्टाब्दी वेरेन हेस्टिंग्स कलिकता माड्रास प्रतिष्ठा करते यहाँ सब तुम सर्ट क्वेश्चन आसपे यहाँ मत बे ध्यान देला। आधुनिकतावाद आंतर्जातिक चिंताधारा सह घनिष्ठ भाव संबंधित आधुनिकतावाद को समय सीमा शैली अवध बा ये समस्त सम्मिश्रण रूपे वर्णना करा जाई छी। माड्रास हेउछि आधुनिकतावाद मूल केन्द्र। तो एटा भी तुमको सर्ट क्वेश्चन टा आसी पारे ना केउटा हेउछि आधुनिकतावाद मूल केन्द्र। तो यार आंसर तुम लिखिबो माड्रास। आधुनिकतावाद फ्रांस को लंडन न्यूयॉर्क जर्मन बर्लिन दिल्ली बॉम्बे माड्रास जोटा कि चेन्नई वर्तमान और कलिकता दे कटक को आसी। 19 शताब्दी मध्यभाग आधुनिकता शब्दटी प्रथम चार्ल्स बट लेयर द्वारा व्यवहूत होता। आधुनिकतावाद मुख्यतः विच्छिन्नता एकाकित्व भाव तथा नैतिक नियमर अवनति घोषणा कोरे। आधुनिकतावाद अतीतर अंत घोषणा करें पाश्चात्य साहित्य जगत में केवे आधुनिकता सृष्टि हेले से संपर्क में कतिपय विशिष्ट मनीषी तांकर मतामत उल्लेख करिछंती। कोनोली कहती जे 1880 मसीहार यूरोप साहित्य आधुनिकतार सूत्रपात है। फ्रांक कर्मोर को मतरे 1890 मसीहार आधुनिकतार सृष्टि। विख्यात समालोचक रिचार्ड एलमानों मतरे 1900 मसीहा रु यूरोपीय साहित्य रे आधुनिकतार सृष्टि। हारी लेविन कहती 1922 मसीहा को यथार्थ आधुनिकता सृष्टि होता। ओडिया साहित्य रे आधुनिकतार प्रवेश को नहीं बहु विवादमान तथ्य परिदृष्ट हुए बा देखा जाए था। डॉक्टर मायादर मानसिंह कहती वर्तमान ओडिशार बुद्धिजीवी संप्रदायर सर्ववादी मत यही जे आधुनिक युग प्रकृति में नामित होगा उचित। सरस्वती फकीरमोहन सेनापति नाम देखा गले जड़े नुहे तीन जन प्रतिभाधारी स्रष्टा ही एकत्र ओडिया साहित्य रे आधुनिक युगर सृष्टि कर। 1867 रे एपटे सेपटे आम तीन को एकत्र लक्ष्य ही काम कर देखा पाइबा।
तीनी ही प्रशंसनीय मानसिक और सामाजिक मुख्य सूत्र रे परस्पर सहित आबद्ध थिले से तीनी हेउचंती फकीरमोहन सेनापति तापरे राधानाथ राय आउ मधुसूदन राव प्रोफेसर पठानी पटनायक को मध्य तांकर ओडिया साहित्यर इतिहास ए ग्रंथ रे राधानाथ राय को आधुनिक साहित्य स्रष्टा बोली अभिहित करिसंती से लेखिसंती राधानाथ राय आधुनिक ओडिया साहित्यर बड़ पुत्र से थिले पंडित और कवि तांकपुरी देशप्रेमी कवि विरल तांकरी प्रेरणा रे आधुनिक युग रुचिर प्राण प्रभाव संभव हैला तेणु यथार्थ से हेले आधुनिक ओडिया साहित्यर मंत्रदाता और स्रष्टा पाश्चात्य चिंताधारा मानदंड विचार कले जना जाए जे आधुनिकतावाद मूल तात्पर्य होउचे बहुवाद्र व्यवहार जेपरिकी चित्रकल्पवाद तापरे डाडावाद तापरे अति वास्तववाद तापरे अभिव्यक्तिवाद तापरे भावोद्दीपनावाद तापरे अस्तित्ववाद यही समस्त बात पई गुड़ी को आधुनिकतावाद छोड़ा छता सदृश सामाजिक त्रुटि विच्युति निसंगता नैराश्य मोहभंग पापबोध विच्छिन्नता बोध आत्मविरोध अवक्षय एलियड सुलभ बागृति सह काव्यिक रीतिर समन्वय और गद्यचंद्र प्रयोग राम को वैदिक संहित एवं व्यंजना मायकोलिक वृद्धिदीप्त प्रयोगवादिता एवं विद्रूप सहित नितेशे कार्ल्स मार्क सिंगमोन फ्रोएन को दर्शन और चिंतन आधुनिक साहित्यर मूल लक्षण रूपे गृहीत यही युगर साहित्य गद्य साहित्यर विकास उल्लेखनीय उपन्यास गल्प भ्रमण कहानी समालोचना प्रबंध और नाटक प्रभृति विभाग में गद्य साहित्य समृद्ध एवं वैचित्र्यमय हो उठिला विभिन्न प्रांतीय साहित्य और विदेशी साहित्य को अनुवाद कराए ओडिया साहित्य रुचिमंत है साहित्य देवता परिवर्तन एणिकी मनीष समय कथा चित्रण करगला मनीषर सुख दुखर अभाव अनुभूति रूपायित है ताहार चिंता राज्य वैप्लविक पर सूचना प्रकाश करी काव्य कवित प्रकृति अभिनय रूप सज्जार सज्जित होता।